गुरु प्यारी सात संगत जी, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। सात संगत जी, आज हम बात करेंगे कि हमारी रूह कब तीसरे तिल पर पहुंचती है जी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वाणी की ओर। सात संगत जी, अक्सर हमने सत्संग व शाखियों में सुना है कि किसी सत्संगी भाई की रूह तीसरे तिल पर पहुँच जाती है जी, और उनको अंदर के अद्भुत दृश्य व नज़ारे देखने को मिलते हैं जी। अब यहाँ हम क्या यह कमाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप जी कर सकते हैं। देखिए, जब आपको वहाँ परमपिता परमात्मा वहाँ पूर्ण सदगुरु नामदान की बख्शिश करते हैं, उसी दिन आपको तीसरे तिल पर पहुँचने की युक्ति बड़े ही अच्छे निराले ढंग से हमें समझा देते हैं, और हमें युक्ति बताते हुए यह कहते भी हैं कि हमें इसे समय देना है। और आप जी अपना दसवां द्वार खोल कर उस कुल मालिक के दर्शन कर सकते हैं जी। देखिए, जब भी हमारी रूह तीसरे तिल पर पहुँचेगी, भजन सुमरन के द्वारा ही पहुँचेगी, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जी। इसलिए आप जी जो कुल मालिक के द्वारा हमारे परमपिता परमात्मा पूर्ण सदगुरु के द्वारा जो नामदान की बख्शिश के समय भजन सुमरन दिया गया है, उसका अभ्यास नित नियम से करते रहें जी, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी रूह तीसरे तिल यानी कि जिसे शिव नेत्र भी कहा जाता है, जो कि दोनों आँखों के मध्य में रहता है, वहाँ पहुँच जाएगी और अपने दसवें द्वार को खोलकर उस राह पे चल पड़ेगी जो कि सीधी कुल मालिक के घर को जाती है जी। इसके लिए आप नित नियम से अमृत वेले उठकर भजन सुमरन जरूर करें जी, और उस कुल मालिक की खुशियाँ प्राप्त करें जी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद सद्गुरु, आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। शुक्रिया।